बोलो जय माता दी, ओ तारे बोलो जय माता। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारी खास पेशकश में। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। बेहद खास मौका है, तैयारियां आप सभी ने कर ली होंगी, लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि हमने सब तैयारी कर ली लेकिन कैसे पूजा करेंगे, मुहूर्त क्या होगा, क्या विधि होगी, कैसे हम माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं। और इन तमाम सवाल जो आपके जहन में है उसके जवाब के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में, क्योंकि 9 दिन हैं शारदीय नवरात्र के, बेहद अहम हैं। और जब शुरुआत की बात करते हैं तो तैयारियों में भी ज़्यादा ध्यान भक्त देते हैं कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, ये कोशिश हर किसी की रहती है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि माता की सवारी क्या रहेगी इस बार जब शुरुआत हो रही है शारदीय नवरात्र, देश प्रदेश में या हम कहें आम जनता के जीवन में भी इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। नमो क्षाकांक्षा भव विभव वांछा पीचन मय नवी ज्ञानापेक्षा शशि मुखी सुखेक्षा पिन पुनः अत स्वाम संयाचे जननी जननम यातु मम वै नृणानी रुद्राणी शिव शिव भवानी तिजपतः। फर्स्ट इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्रीहरी का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपादृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्र के बारे में। गुरुवार दिनांक 3 अक्टूबर सन 2024 से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रही है। जिंदगी में सफर हम करते ही हैं, कभी सुख मिलता है तो कभी दुख मिलता है। कई बार ऐसा लगता है कि सिर्फ दुख ही हमारे हिस्से में आए हैं, सुख तो हमारे हिस्से में आया ही नहीं है, जिंदगी रुक सी गई है, कुछ भी शुभ नहीं हो रहा है, सब कुछ अशुभ सा होता जा रहा है। तो क्या आप या आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसा हो रहा है? क्या आपको लगता है कि माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है? क्या कोर्ट कचहरी से आप परेशान हैं? क्या जिंदगी के सबसे खराब दौर, कठिन दौर में से गुजर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके परिवार को कष्टों से, दुखों से मुक्ति मिले? तो हम सभी की समस्याओं को खत्म करने के लिए माँ दुर्गा की पूजा उपासना अवश्य करनी चाहिए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले इन नवरात्रों को शारदीय नवरात्र कहा जाता है। शारदीय नवरात्रों में दिन छोटे होने लगते हैं, मौसम में परिवर्तन भी प्रारंभ हो जाता है, प्रकृति सर्दी की चादर में सिकुड़ने लगती है। नवरात्र के इन प्रमुख 9 दिनों में जो लोग नियमित रूप से माँ दुर्गा की आराधना करते हों, पूजा पाठ करते हों, व्रत करते हों, माँ दुर्गा की कृपा उन्हें सभी संकटों से मुक्ति दिलाती है। माँ दुर्गा की पूजा उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है। सभी संकटों को हरने वाली माँ न सिर्फ निरोगी काया प्रदान करती है, धन में वृद्धि, पारिवारिक शांति भी प्रदान करती है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ के लिए, कर्मचारियों को नौकरी में पदोन्नति के लिए, गृहस्थियों को घर में सुख शांति के लिए माँ दुर्गा की उपासना अवश्य करनी चाहिए। अब जैसा आपने प्रश्न पूछा कि माता की सवारी क्या रहेगी इस बार, आइए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं और देश और दुनिया पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देवी पुराण ये कहता है कि नवरात्रि के पहले और आखिरी दिन माँ भगवती के आगमन और प्रस्थान के वाहन का पता चलता है। अगर माँ का आगमन यानी नवरात्रि स्थापना रविवार और सोमवार को हो तो उनकी सवारी हाथी पर होती है। मंगलवार और शनिवार को नवरात्र शुरू हो तो वह अश्व पर सवार होकर आती, यानी घोड़े पे। गुरुवार और शुक्रवार को यदि वो नवरात्र स्थापना का प्रथम दिन हो तो पालकी में सवार होकर मातानी आती, और बुधवार को यदि हो तो नौका पर सवार होकर आती है। तो इस बार दुर्गा उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र पर आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि यानी गुरुवार दिनांक 3 अक्टूबर सन 2024 के दिन से प्रारंभ हो रहा है और शनिवार दिनांक 12 अक्टूबर सन 2024 को समाप्त होगा। शास्त्र कहते हैं कि यदि नवरात्रा का आरंभ गुरुवार के दिन हो तो माता पालकी में सवार होकर आई,
और शनिवार के दिन नवरात्रा खत्म हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? माँ चरणा युद्ध अर्थात पैदल होकर प्रस्थान कर रही है। कुछ जगह मुर्गे के ऊपर भी बताया गया है। माँ दुर्गा का पालकी में आगमन श्वेता जी शुभ संकेत नहीं माना जाता है। देश दुनिया को आने वाले समय में आंशिक महामारी का सामना करना पड़ सकता है, प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है, राजनीतिक उथल पुथल बढ़ सकती है, आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि हो सकती है, विश्व के अनेकों देशों को ग्रह युद्ध का सामना करना पड़ सकता है, व्यापार में मंदी हो सकती है, अर्थव्यवस्था में गिरावट हो सकती है। वहीं माता रानी चरणा युद्ध यानी पैदल प्रस्थान कर रही है, उसका अर्थ क्या है? जीवन में दुख आता है, नाना प्रकार की अशांति बढ़ सकती है, इसलिए ये देश और दुनिया पर माता के आगमन और प्रस्थान का ये प्रभाव पड़ने वाला है। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी पंडित जी। अब क्योंकि जब हम नवरात्रि की बात करते हैं और पहले दिन की बात करते हैं, इसलिए भी खास हो जाते हैं क्योंकि घट स्थापना होती है, विधि विधान से स्थापित करना माँ के स्वागत में, तो ये भी बेहद अहम हो जाता है। जानना ही चाहेंगे घट स्थापना का या माता रानी के पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है? जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमारे सभी दर्शकों के जानने योग है कि इस बार नवरात्रा स्थापना पे घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, देवी पूजन का शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा, आप सभी दर्शकों के लिए जानने योग्य। देवी पुराण कहता है कि नवरात्रा के दिन देवी का आह्वान, स्थापना और पूजा का जो समय है वो प्रातःकाल में होना चाहिए। गुरुवार दिनांक 3 अक्टूबर 2024 को शारदीय नवरात्र अंतर्गत घट स्थापना एवं देवी पूजन के शुभ मुहूर्त निम्न प्रकार से रहेंगे। सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त प्रातःकाल 6:20 से प्रातःकाल 7:26 तक द्विस्वभाव युक्त कन्या लग्न एवं शुभ के चोगड़िया मुहूर्त में करना सबसे शुभ, सर्वश्रेष्ठ एवं शास्त्र सम्मत रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:52 से दोपहर 12:39 के मध्य में घट स्थापना की जा सकती है, देवी पूजन किया जा सकता है। चौगड़िया मुहूर्त पूर्वान 10:47 से दोपहर 1:44 के मध्य में चर लाभ के चौगड़िया मुहूर्त में घट स्थापना की जा सकती है, देवी पूजन प्रारंभ किया जा सकता है। आप सभी दर्शक इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का, शुभ मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। बिल्कुल पंडित जी, और बेहद अहम है जैसे मुहूर्त का आपने जिक्र किया, लेकिन पूजन की विधि कैसे रहनी चाहिए? क्योंकि एक संशय रहता है, कोशिश तो हर कोई करता है कि माता रानी को प्रसन्न करने में कोई कमी ना रहे, लेकिन कहीं कोई कमी ना रह जाए ये भी डर रहता है, और इसलिए हम चाहेंगे कि आप बताएं कि विधि कैसी रहनी चाहिए पूजन की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी दर्शकों के लिए सरल विधि हम लेकर आए कि शारदीय नवरात्र में देवी पूजा में घट स्थापना और पूजा की सरल विधि क्या रहेगी। यदि कोई विद्वान पंडित उपलब्ध नहीं हो तो आप स्वयं अपने घर में कैसे स्थापना पूजन कर सकते हैं, वो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लिख लीजिए, समझ लीजिए। प्रतिपदा तिथि को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। नित्य कर्म से निवृत्त होकर सबसे पहले तो सूर्यदेव को जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा। तत्पश्चात अपने पूजा स्थान पर घट स्थापना आपको करनी है। गौ माता के गोबर से पूजा स्थान का लेपन करना है, और गौ माता का गोबर उपलब्ध नहीं हो तो गंगा जल मिले शुद्ध जल से अपने पूजा घर की साफ सफाई कर लीजिएगा। तत्पश्चात पूर्व दिशा की तरफ मुख करके किसी गर्म आसन के ऊपर बैठ जाइएगा। घट स्थापना के लिए पवित्र मिट्टी यानी जो आप मिट्टी लेंगे उस मिट्टी के अंदर कोई कंकड़ नहीं होनी चाहिए, कोई शुद्ध मिट्टी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। शुद्ध मिट्टी लेनी है वेदी के लिए, उससे आपको वेदी का निर्माण करना है। उस मिट्टी के अंदर जौ, गेहूं, इन दोनों को मिलाकर उसको मिट्टी में मिक्स कर दीजिएगा, बो दीजिएगा। उस वेदी के मध्य में यानी आपने एक वेदी बना दी, आजकल वेदी की जगह ऐसे मिट्टी के बड़े सकोरे भी मिलते हैं, आप अपने घर में उस सकोरों का प्रयोग भी कर सकती, तो सकोरों के अंदर आप मिट्टी भर दीजिए, उस मिट्टी में थोड़े से जौ और थोड़े से गेहूँ डाल के अच्छे से मिट्टी के अंदर मिक्स कर दीजिएगा। फिर उसके अंदर जैसे हमने यहाँ कलश स्थापना कर रखी, ठीक उसी तरीके से मिट्टी की वेदी के ऊपर आप कलश की स्थापना करेंगे। अब वो जो कलश है वो सोने का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, तांबे का भी हो सकता है, या मिट्टी का कलश भी हो सकता है, जो भी आपकी श्रद्धा हो उस श्रद्धा अनुसार कलश को आप उस वेदी के ऊपर स्थापित कर दीजिए। कलश को भगवान श्री गणेश का प्रतीक माना जाता है, इसलिए सबसे पहले कलश का पूजन किया जाता है। कलश ने आपने लिया, अब उस कलश के अंदर शुद्ध जल भर दीजिएगा, उस जल में थोड़ा गंगा जल भी डाल दीजिएगा।
साथ में एक साबुत सुपारी, कुछ सिक्के, हरी दुर्वा, हल्दी की एक गांठ, पंच रत्न, ये आप उस कलश के अंदर डाल दीजिएगा। कलश के ऊपर एक नारियल की स्थापना कर दीजिएगा। जटा वाला नारियल आपको लेना है। जटा वाला नारियल को लाल कपड़े में या लाल चुनरी में लपेट कर कलश के मुख के ऊपर रख देना है। कलश के मुख के ऊपर नारियल रख के उसके चारों तरफ अशोक के पेड़ के या आम के पेड़ के पांच पत्ते, पंच पल्लव बोलते हैं, वो लगा दीजिएगा। उनके बीच में आपको कलश स्थापना करनी है। तो वेदी बना ली आपने या मिट्टी के सकोरे में, उसके ऊपर कलश की स्थापना कर दी, जल भर दिया उसके अंदर नारियल करके और उसको चुनरी से लपेट के रख दिया। अब आप चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिए, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा दीजिएगा। लाल वस्त्र बिछाकर अक्षत हरिद्रा से रंगे हुए यानी हल्दी से रंगे हुए चावलों से अष्टदल बना लीजिएगा। अष्टदल यदि आप नहीं बना सकते हो तो आप स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिएगा। स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उसके ऊपर अपने कुलदेवी की या माँ दुर्गा की, माँ जगत अंबिका की तस्वीर को स्थापित कर दीजिएगा। मनमोहक तस्वीर माता जी की स्थापित कर दीजिएगा। प्रतिमा हो तो प्रतिमा को स्थापना कर दीजिएगा। घट स्थापना के साथ अखंड दीपक की स्थापना की जाती है। पूजा के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइए और उस दीपक का गंध अक्षत पुष्प से पूजन करिएगा। सबसे पहले आपको देवी पूजा का, नवरात्रा प्रारंभ वाले दिन आपको देवी पूजन का, नव दिवस पूजन का, नव दिवस व्रत का संकल्प करना है। संकल्प में पुष्प, फल, सुपारी, पान, चांदी का सिक्का, नारियल, पानी वाला, मिठाई, मेवा आदि सभी सामग्री थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर संकल्प मंत्र आपको बोलना है। संकल्प लेने के पश्चात में सबसे पहले आप प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की पूजन अर्चन करेंगे। उसके पश्चात कलश का पूजन करेंगे, वरुण देवता का पूजन करेंगे, षोडश मात्र का, 16 जो माताएं होती हैं षोडश मात्र का पूजन करना है। नौ निधियां, 9 प्रकार की निधियां हैं, तो नव निधियों का पूजन करना है। सभी देवी देवताओं का आह्वान करिएगा। तत्पश्चात माँ दुर्गा की पंचोपचार, षोडश उपचार पूजन करनी है। एक तांबे का पात्र ले लीजिएगा। आपके घर में जो भी चांदी की माता जी की प्रतिमा हो या जो भी आपके तांबे में जो भी प्रतिमा हो, एक तांबे के प्लेट के अंदर गुलाब की पंखुड़ियाँ रख दीजिएगा। माता जी को स्थापित कर दीजिएगा, देवी प्रतिमा को। उसके पश्चात माता जी का आह्वान करिएगा, आप पधारिए, हमारे द्वारा दिए जा रहे पूजन को ग्रहण कीजिएगा, जलांजलि को ग्रहण कीजिएगा। देवी का आह्वान करिएगा, शुद्ध जल से देवी की प्रतिमा को स्नान कराइएगा, गंगा जल से स्नान कराइएगा, कच्चे दूध से माँ का अभिषेक कीजिएगा, पंचामृत से माँ का अभिषेक कीजिएगा, अलग अलग प्रकार के फलों के रसों से अभिषेक कीजिएगा, गुलाब जल से, केवड़ा जल से माँ का अभिषेक कीजिएगा, सुगंधित इत्र के जल से अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक के पश्चात माता रानी को शुद्ध लाल वस्त्र पहनाइएगा, सौभाग्य सूत्र अर्पण कीजिएगा, चंदन हरिद्रा चूर्ण अर्पण कीजिएगा, कुमकुम सिंदूर काजल अर्पण कीजिएगा, दुर्वांकुर अर्पण कीजिएगा, नाना प्रकार के आभूषण अर्पण कीजिएगा। जैसे आप स्वयं सजती धजती हैं ठीक ऐसे ही माता रानी को सजाइएगा। पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पण कीजिएगा, फल अर्पण कीजिएगा, तांबूल अर्पण कीजिएगा, दक्षिणा अर्पण कीजिएगा, पुष्पांजलि, नमस्कार, प्रार्थना आदि उपचारों से माता का पूजन करना है। पूजन के पश्चात माँ दुर्गा की अपने परिवार सहित आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा, आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। इस सरल विधि से पूरे 9 दिवस तक माँ दुर्गा की आपको आराधना करनी, प्रतिदिन आराधना करनी है, मंत्र जाप करना है। दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ कर सके तो वो करिएगा, अर्घला स्तोत्र कीजिएगा, कवच कीजिएगा, कीलक सहित सभी दुर्गा सप्तशती के पाठ करें तो सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। इस सरल विधि से आप प्रतिदिन माँ की आराधना कर सकते हैं। प्रतिदिन एक समय आपको भोजन करना है, सुबह शाम जहाँ आपने स्थापना करनी है वहाँ पर शुद्धता रखनी है, सुबह शाम आरती करनी है। अखंड ज्योत यदि आप कर सकते हैं तो अखंड ज्योत कीजिएगा, एक तरफ तेल की एक तरफ घी की अखंड ज्योत आप जला सकते हैं। निश्चित तौर पर मैं तो कहता हूँ श्वेता जी कि मनुष्य जीवन में माँ की आराधना का सौभाग्य तो देवताओं को भी दुर्लभ नहीं,
आपको और हमको ये सौभाग्य मिला है कि हम नव दिवस में माँ की आराधना कर सके, तो सोचिए कि हम कितने सौभाग्यशाली, देवताओं से भी ज़्यादा सौभाग्यशाली हम ये हैं कि शारदीय नवरात्रा में माँ की आराधना करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। बिल्कुल, और सौभाग्यशाली हम सभी हैं, और इसलिए तो इतना उत्साह भी होता है शारदीय नवरात्र को लेकर। तैयारियाँ भी बहुत पहले से चलती हैं, और जिस हिसाब जानकारी भी दे रहे हैं, मुहूर्त को लेकर हमने जाना, विधि किस तरह से है पंडित जी ने विस्तार से बताया, और आगे भी हम समझेंगे पंडित जी से कि आखिर इन 9 दिनों के तिथि के अनुसार माँ को भोग क्या लगाएं। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंडित जी, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले भी हम बात कर रहे थे, लेकिन पंडित जी जानना ये भी चाहेंगे कि तिथि अनुसार प्रतिदिन माँ को भोग क्या अर्पण करें। आप सभी दर्शकों के लिए जानने योग्य है, जैसे आप रोजाना एक दिन भोजन करके आप ऊब जाते हैं कि रोज एक ही दाल बनाती बहन जी माता जी, क्या ये एक ही दिन रोज रोज वही खाना खिला देते हो आप, कुछ नया होना चाहिए। तो ऐसी हमारी माता जी पधारी हैं, ये नवरात्रा के 9 दिवस में माँ पृथ्वी के ऊपर भ्रमण करने आती हैं। प्रतिदिन जैसे नाना प्रकार के व्यंजन खाने की आपकी इच्छा करती है ना, वैसे ही माता को भी पूरे 9 दिवस तक अलग अलग प्रकार के भोग लगाया करो, और निश्चित तौर पे अगर माँ प्रसन्न हो गई तो समझो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो गए और आपके जीवन में सौभाग्य की बारिश हो गई। तो नवरात्रा के 9 दिवस तक विधिवत उपवास करने के साथ साथ में आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन उपवासों का समापन किया जाता है, और हर भक्त की ये जिज्ञासा रहती है कि माता को भोग में क्या दें। महाराज आप ये भी बताओ कि ऐसा क्या भोग लगाएं जिससे माता प्रसन्न होकर हमारी सारी मनोकामना पूर्ण कर दे और कुबेर का खजाना खोल दे हमारे लिए। और हम हिंदुओं का सनातन धर्म में कोई भी उपवास भोग प्रसाद के बगैर पूरा नहीं होता है, तो व्रत किसी भी उद्देश्य के लिए किया गया हो उसमें देवी देवताओं को भोग अवश्य लगाया जाता है। तो नवरात्रा के 9 दिवस में 9 देवियों को अलग अलग भोग लगाया जाता है। आज मैं आपको अपने मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए नवरात्रा में माँ को तिथि के अनुसार दिए जाने वाले भोग के बारे में बता रहा हूँ, जिसको लगाने से माँ दुर्गा प्रसन्न होगी, सभी मनोकामना पूर्ण होगी। नवरात्रा के प्रथम दिवस माँ के चरणों में गौ माता का शुद्ध देशी घी अर्पण करना चाहिए। शुद्ध देशी घी का भोग लगाइए और उस भोग को पूजा के पश्चात में सभी सदस्य थोड़ा थोड़ा सा देशी घी का सेवन कर लीजिए। क्या होगा, आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है, काया निरोगी रहती है, गंभीर बीमारियों से मुक्ति रहती है। नवरात्रि के दूसरे दिवस माँ को सूजी के लड्डू का भोग लगाया जाता है। सूजी के लड्डू खाते हैं दाल बाटी के साथ में, वैसे सूजी के लड्डू का भोग लगाया जाता है। क्या होता है महाराज, सुख में वृद्धि होती है, शांति समृद्धि में वृद्धि होती है। तीसरे नवरात्रा के दिन दूध से बनी हुई मिठाई या खीर का भोग लगाया जाता है। दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई हो और घर में खीर बनाई हो तो खीर का भोग लगाइए। माता रानी का आशीर्वाद आपके सभी कष्टों को, रोगों को, तकलीफों को, संकटों को दूर करता है। माँ दुर्गा को चौथे नवरात्रा के दिवस मालपुए का भोग लगाया जाता है। किसका महाराज, मालपुए का भोग लगाया जाता है। खीर मालपुए बनाओ, माता रानी को भोग लगाओ, सबको खिलाओ और खुद भी खाओ, तो माता रानी प्रसन्न होगी, मनोकामना पूर्ण करेगी। नवरात्रा के पंचम दिवस पिस्ते से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। किससे महाराज, पिस्ते से बनी मिठाई का भोग माता रानी को लगाया जाता है। उससे क्या होता है, काया निरोगी रहती है, और यदि काया निरोगी है तो हर प्रकार का सुख है। छठी नवरात्रा यानी छठ वाले दिन माँ को खजूर की मिठाई का भोग लगाया जाता है। अब आप बोलोगे महाराज कहाँ से लाएँ, अब सभी सब जगह मिलती है, नहीं तो घर में बना लीजिएगा। खजूर से बनी मिठाई का भोग माता रानी को लगाइएगा, मंगल ही मंगल होगा आपके जीवन में। सातवें नवरात्रा पे माँ को गुड़ से बनी हुई मिठाई का भोग लगाइए। आजकल गुड़ से बने हुए मिष्ठान बहुत बाजार में उपलब्ध हैं, या घर में भी आप बना, नहीं तो गुड़ का हलवा ही बना दीजिए। माता रानी आपके संकटों से रक्षा करेगी, आकस्मिक जो ऊपर से संकट आते हैं उनसे रक्षा करेगी। अष्टमी के दिन नवरात्रा के आठवें दिन नारियल से बनी हुई मिठाई का भोग लगाइएगा। नारियल से बनी हुई मिठाई का भोग लगाइए, और कोई छोटी कन्या हो, कन्याओं को पानी वाला नारियल का दान करें। माता रानी का आशीर्वाद आपकी संतान के ऊपर हमेशा बना रहेगा। और हम तो कहते हैं ना कि हम अपने लिए थोड़ी ना जीते, हम तो अपनी संतान के लिए जीते हैं। बाद में वो संतान पूछे नहीं पूछे अलग बात है, लेकिन हम अपना जीवन पूरी संतान में ही निकाल देते हैं, तो संतान का सुख प्राप्त होता है। और नवरात्रा के 9वीं के दिन तिल से बनी हुई, सफ़ेद तिल से बनी हुई मिठाई का भोग लगाइए।
कर्ज से मुक्ति मिलती, गरीबी दरिद्रता कंगाली से मुक्ति मिलती। तो छोटे छोटे सी बातें हैं लेकिन काम की बात है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए हर रास्ता भक्त अपनाता है, क्योंकि ये 9 दिन पूरी तरह से माता रानी के लिए ही है। ऐसे में पंडित जी जानने भी चाहेंगे वो विशेष मंत्र क्या है जिनके जाप से हम माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत सरल सरल छोटे छोटे से मंत्र मैं आपको बताता हूँ कि किन मंत्रों के जाप करने से माँ प्रसन्न होंगी। महाराज 9 दिवस में क्या करें, मानसिक रूप से भी पूजन, इतना काम धंधे में समय ही नहीं मिलता है कि माला लेके बैठे। नवाण मंत्र, नवाण मंत्र सबसे पहला और मुख्य मंत्र है। नवाण मंत्र, इस मंत्र में पूरी दुर्गा सप्तशती का सार छुपा है। आप कुछ करें ना करें, सिर्फ मन में बैठे, उठते बैठते खाली इस मंत्र को जाप करते जाएं। आपको कहीं माला लेके बैठने की जरूरत नहीं है। मंत्र बड़ा सरल मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचयी, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचयी। आप भी बोलिए, ओम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचयी, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचयी, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचयी। इस मंत्र का जाप करो, दुर्गा सप्तशती का पूरा फल आपको मिल गया। इस मंत्र के जाप के बगैर नवरात्रि का अनुष्ठान पूर्ण नहीं माना जाता है, सफल नहीं होता, सिद्ध नहीं होता है। ओम करो तु साना शुभेतुरीश्वरी, शुभानी भद्राणी बिहंतु चापत। इस मंत्र का जाप करें, सारी हर्डल सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। हर प्रकार की बाधा मुक्त होकर धन धान्य पुत्रादि की प्राप्ति के लिए ओम सर्व बाधा विनर मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशय। सभी प्रकार के कल्याण के लिए जो सिद्ध मंत्र है बोलिए, ओम सर्व मंगल मंगल मांगल्य मांगल्य शिवे शिवे सर्वार्थ सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जीवन में सभी प्रकार की सुख शांति की कामना के लिए ओम ओम जयंती जयंती मंगला मंगला काली काली भद्रकाली भद्रकाली कपालिनी कपालिनी दुर्गा दुर्गा क्षमा क्षमा शिवा शिवा धात्री धात्री स्वाहा स्वाहा स्वधा स्वधा नमोस्तुते नमोस्तुते। जी गंभीर रोगों से मुक्ति के लिए रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान भिष्टान त्वामाशितानान विप्रनानाम द्वामाशिता हाय शंता प्रयांति। संकटों से मुक्ति के लिए रक्त बीज वदे देवी चंड मुंड विनाशनी रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही। और पदोन्नति अगर आपको चाहिए तो उसके लिए क्या करें, वंदिता प्राधि युगे देवी देव सौभाग्यदायिनी रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही। पद पावर प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए ओम ज्ञानी नाम जतामसी देवी भगवती ही सा बालादा कश्य मोहय मोह माया प्रच्छति। छोटे छोटे से मंत्र हैं। क्यों उपाय भी आपसे जरूर जानना चाहिए, लेकिन पंडित जी एक एक इस बार शारदीय नवरात्र को लेकर एक संशय है, चाहूंगी कि उसका भी आप समाधान करिए। 10 दिन की इस बार शारदीय नवरात्र है, और होता भी है कि 9 दिन देवी के हुए 10वें दिन दशहरा, लेकिन जबकि इस बार 9वीं और दशहरा भी एक ही दिन है, फिर ये 10 दिन का कैसे तिथि के अनुसार है, कैसे इसे समझें? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। इस बार नवरात्रा जो है वो 9 दिन की जगह 10 दिवस के। नवरात्रा का बढ़ना शुभ माना जाता, घटना अशुभ माना जाता। अगर नवरात्रा एक दिन बढ़ रही है तो वो शुभ संकेत माना जाता है। तो छठ जो तिथि है ना, पंचमी तिथि और छठ, इस बार तृतीया तिथि 2 हो रही है, तृतीया तिथि वृद्धि तिथि आ रही है। तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा, छठ पे। उस तिथि का प्रभाव जो पड़ेगा छठ पे पड़ेगा। तो यहाँ पे एक दिवस ज़्यादा हो रहा है, वो छठ वाला दिवस है, तो 2 छठ मनाई जाएंगी। और तृतीया तो वैसे तिथि तृतीया 2 है, लेकिन जो दिन जो घटत बढ़त में दिखेगा वो छठी के ऊपर आपको दिखेगा, लेकिन पूरे 9 दिवस तक। और इस बार जो है नवरात्रि का जो समापन शनिवार को हो रहा है, उसी दिन नवमी तिथि रहेगी, नवमी का पूजन भी शनिवार को किया जाएगा, और दशहरे का यानी विजयदशमी का त्यौहार भी शनिवार को मनाया जाएगा। एक दिन का बढ़ना से माता जी प्रसन्न होंगी। देवी आराधना में मन लगाइएगा, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। चलिए पंडित जी, ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने दी हैं, और क्योंकि पहला दिन है इसलिए तैयारियाँ भी बहुत ज़्यादा, लेकिन हर एक दिन क्या खास करना है, क्या किस तरह से विधि होगी, किस तरह का मुहूर्त होगा, क्या उपाय हम करेंगे, पंडित जी लगातार आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। प्रेम से बोलिए जय माता की, बोलिए सच्चे दरबार की जय, सच्ची ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय।
और चलिए इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी। बोलो, जय माता, बोलो।